मैं डॉक्टर कविता आप सबको स्पंदना कार्यक्रम के लिए स्वागत कर रही हूँ। इस वीडियो में अभी जो ऋतु चल रहा है इसमें आहार कैसे सेवन करना चाहिए और हमारा रहन सहन कैसा होना चाहिए इसके बारे में बताने वाली हूँ। आयुर्वेद शास्त्रों के अनुसार इसको वसंत ऋतु कहा जाता है। इस ऋतु में जो हमारे पचन के लिए बहुत हार्ड थिंग्स होते हैं वैसे चीज़ों को नहीं खाना चाहिए, जैसे ज़्यादा तला हुआ मसालादार चीज़ें, पनीर या फिर स्वीट जो आहार है वैसे वस्तुओं को ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, और जो ठंड पदार्थ है वैसे उनका भी अब सेवन ना करें, और दिन में सोना नहीं है। जितना आपके शरीर में बल है शक्ति है उतना ही आपको योगासन या फिर प्राणायाम करना चाहिए। शरीर को थकाने वाले आसन न करे और मेडिटेशन करते रहे, और ज़्यादातर पानी पीते रहना चाहिए, पानी पीना चाहिए। और अभी मौसम में, इस मौसम में सूर्य की किरणें बहुत तेज होते हैं तो हमारे शरीर के अंदर से पानी का अंश जाता रहता है, इसके लिए पानी ज़्यादा पीना। और जो फलों में और सब्जियों में पानी का अंश ज़्यादा रहता है वैसे चीज़ों को लेते रहना चाहिए, और हरीतकी का सेवन करें। 1 ग्राम हरीतकी चूर्ण को, पाउडर को, सम भाग शहद मिला के काली पेट में सुबह लेना है। और जो कोरफड़ या फिर कुमारी बोलते हैं उसका ऊपर का छिलका निकाल के अंदर जो जल रहता है वो सिर को और पैरों को लगाए, और नारियल तेल से सिर का और पैरों का और हाथ के तलवों का मालिश करते रहे, और पूरा शरीर का भी मालिश करे तेल से, और नहाना है और थोड़ा सा गर्म पानी से नहाना चाहिए। अगर इन नियमों को हम फॉलो करते रहे तो फिर हमारा शक्ति या फिर बल कम नहीं होगा, इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा और ज़्यादा हम बीमार नहीं पड़ेंगे। धन्यवाद।